हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूं कि आपके सेमेस्टर एग्जाम जो काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है, दिवाली के जस्ट पहले जो होने वाला है उसकी प्रिपेरेशन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। और मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगा हर एक बच्चों के लिए जिसका सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाला है। और जितना भी चीजें हैं हमारे चैनल के ऊपर प्रेजेंट है, जो भी आपको पढ़ना है, जो भी चैप्टर्स है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हर चीज प्रेजेंट है हमारे चैनल पे। आप बस अच्छे से देखो, ढूंढो और पढ़ाई करते रहो। तो ऑल द वेरी बेस्ट सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए टिप्स के कई सारे वीडियो, दो वीडियो मैंने बनाए हैं सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स कैसे लाए, सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से टिप्स। ऐसे हमारे चैनल पे लगभग मैंने दो तीन दिन पहले एक वीडियो डाला हुआ है, दो वीडियोस डाले, आप जाके देख लो अच्छे तरीके से, आपको स्ट्रैटेजी पता चल जाएगा। साथ ही में अब तक मुझे आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया यार, तो जरूर से फॉलो कर लेना। 20,000 लोग से ज्यादा मुझे फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो कर लो, बहुत ही अच्छा हमारा एक फैमिली कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में, जो कि आज क्या है। जैसे कि आप जानते हो पिछले वीक में जो हमने आपके लिए वीडियो डाला था, एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन हमारा चल रहा है। तो हमने 7th स्टैंडर्ड की मैं बात करूं साइंस सब्जेक्ट का जो एक्सरसाइजेस के जो कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन है उसका चैप्टर नंबर 5 तक हम लोग पहुंच गए थे, फूड सेफ्टी। लेकिन ये चैप्टर नंबर 5 को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था क्योंकि पिछला लेक्चर छोटा बनाया था मैंने, ठीक है। और आज जो लेक्चर नंबर 2 है, मतलब इस फूड सेफ्टी का जो एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन है, आज हम लोग कंप्लीट कराने वाले। तो आप लोग बस देख लो एंड तक, आप लोग का ये फूड सेफ्टी का जो बचा कुचा जितने भी क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला, उसका सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, अब यहां पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, बहुत बेहतरीन है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे समझोगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि व्हाट शॉल वी डू। ये देखो ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, अपने मन से लिखने होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है देयर आर वेंडर सेलिंग अनकवर्ड स्वीटमीट्स इन ओपन प्लेसेस इन द मार्केट। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो आप देखोगे जाके तो वो क्या करते हैं ना, जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे समोसा हो गया, वड़ा पाव हो गया, जलेबी हो गया, वो खुलेआम बेचते हैं। खुलेआम मतलब कोई ढक वगैरह के नहीं रखता। जैसे कि आप बहुत सारे रूरल एरिया में चले जाओ, अर्बन एरिया में तो चलो फिर भी अच्छे से पैकिंग वैकिंग करके बेचते हैं, लेकिन रूरल एरिया में आप चले जाओ तो बहुत सारे ऐसे खाने पीने के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जो एकदम ओपन में बेचा जाता है, जिसके ऊपर मक्खी आती है, मच्छर आते हैं और भी बहुत सारे धूल मिट्टी वगैरह उसके ऊपर आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें इस टाइप के फूड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, हमें इसको नहीं खाना चाहिए क्योंकि अगर हम उसको खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। साथ ही में हम उस वेंडर जो होंगे उसको हम लोग समझाएंगे, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा उसको, हम लोग को अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, उसको हम लोग कन्विंस करेंगे, ठीक है ना, उसको कन्विंस करेंगे, उसको अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो मैं लिख रहा हूं ना ये आंसर नहीं है, ये मैं आपको हमारा, देखो हमारा जो मेथड है पढ़ाने का वो क्या है, कॉन्सेप्ट पढ़ाना। बाकी तो आप आंसर तो कहीं से भी लर्न कर लोगे, आपको लिखाया होगा आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, आई मीन टू से जो आप 7th स्टैंडर्ड में स्कूल में लिखाया होगा, आपके क्लासेस में लिखाया होगा। लेकिन ये जो चीज है ना इसका मैं मतलब समझा रहा हूं क्योंकि अगर आपने मतलब समझ लिया तो एग्जाम में खुद से भी लिख के आओगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा दोस्तों, करेक्ट है कि नहीं। तो यहां पे आपको वही चीज करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको, हम लोग को वो फूड नहीं खाना है जो भी वेंडर से, उसको अवेयरनेस क्रिएट करना है और उसको समझाना है, क्या समझाना है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, ठीक है ना, जो भी साफ सफाई होती है उसकी जानकारी देनी है। क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग को शायद नहीं पता होगा कि यार जो वो खुलेआम में बेच रहे हैं जिसके ऊपर मक्खी मच्छर, सोचो इमेजिन करो कोई मक्खी है अगर वो गोबर के ऊपर या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट ह्यूमन बींग का होता है उसके ऊपर बैठ के आ रही है और वही आके वड़ा रखा हुआ है, समोसा रखा हुआ है, उसके ऊपर आके बैठ रही है और वही हम लोग चाव से खा रहे हैं, तो सोचो हम क्या खा रहे हैं, इमेजिन कर सकते हो कितना गंदा लगता है सुनने में, सोचने में। तो वो चीज का अवेयरनेस उस दुकानदार को समझाएंगे कि यार तू जो बेच रहा है वो ऐसा ऐसा है, तेरे को भी बीमार कर सकता है, तेरे बच्चों को भी बीमार कर सकता है, हम अगर ऐसा समझाएंगे तो शायद मान जाए और वो अपना जो खाना है वो ढक के रखना शुरू कर दे। तो ये हो गया सबसे पहले का आंसर, इस प्रकार से आपको आंसर करना है। सेकंड, अ पानीपुरी वाला इज सर्विंग द पानीपुरी विद द डर्टी हैंड्स। अगर ऐसा होता है, आपने देखा हम पानीपुरी खासकर लड़कियां जो होती है ना चाव से खाती है, भैया और तीखा, भैया और तीखा बोलते हैं कि, तो यार ये ऐसा नहीं करना। पहली बात तो आपको देखना है कि वो हाइजीन मेंटेन करता है क्या, क्लीनलीनेस मेंटेन करता है क्या। तो अगर आपको लग रहा है कि वो जो पानीपुरी अपने हाथों से जो खिला रहा है उसके हाथ गंदे, तो सबसे पहले तो यार ऐसी जगह पे खाओ ही मत, अवॉइड कर दो। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा है कि यार ये जो चीजें हैं ये तो मैं नहीं खाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन बाकी लोग का क्या, तो उसके बारे में सोचना है। तो सबसे पहले अगेन उस जो शॉपकीपर है उस पानीपुरी वालों को आपको समझाना पड़ेगा कि आपको अपना जो हैंड है उसको वॉश करना पड़ेगा विथ क्लीन वॉटर, जो भी साफ सुथरा पानी है उससे आपको हाथ धोना पड़ेगा। अगर वो क्लीन वाटर से हाथ धो लेता है उसके बाद वो खिलाता है तो कहीं ना कहीं जितने भी जर्म्स एंड बैक्टीरिया उसके हाथों में लगे होंगे वो क्लीन हो जाएंगे। साथ ही में जो पानी हम लोग खाते हैं, पानीपुरी में जो पानी होता है ना वो भी एकदम क्लीन वाटर से बनने चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोग गंदा पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, कहीं से भी पानी नल से भर के लेके आ जाते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो सोचो ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने में मिलते हैं कि हम मार्केट में जाते हैं और पानीपुरी खाते हैं और लगभग दो दिन के बाद हमारा पेट खराब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो ये सब चीज ना हो इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आप जब भी
इस्तेमाल करो, ग्लोव्स इस्तेमाल करो, ग्लोव्स हाथ में पहन के ही पानी पूरी लोगों को खिलाओ ताकि बीमारी की और जर्म्स एंड बैक्टीरिया फैलने की चांस ही ना हो। थर्ड क्वेश्चन, वी हैव परचेस ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अगर आपने बहुत ज्यादा एक ही बार फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खरीद लिया तो आपके घर में आप उसको फ्रिज में रख सकते हो या फिर रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज्यादा है तो लगभग 3-4 दिन के बाद फ्रूट्स खराब होने लगते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसका अचार बना सकते हो, उसका पिकल बना सकते हो, ठीक है ना। उसमें ऐसे बहुत सारी चीजें होती है वो आप करके रख सकते हो, उसको एकदम प्रॉपर जगह पे जहां पे आपको रखना चाहिए, टाइट, ऐसे जहां पे हवा ज्यादा ना लगे उस प्रकार वहां पे आप रख सकते हो, ठीक है ना। उसका आप जूस बना के रख सकते हो ताकि जूस जो है ज्यादा दिन तक रहता है फ्रिज में। तो इस प्रकार से चीजें करोगे तो आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल ज्यादा जल्दी खराब नहीं होगा, और खराब हो भी रहा है तो उसके पहले आप अचार बना लो, जूस बना लो और प्रॉपर जगह पे रखोगे तो आप उसको ज्यादा दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो। ये हो गया थर्ड आंसर। फोर्थ आंसर क्या है, वी नीड टू प्रोटेक्ट फूड स्टफ फ्रॉम द पेस्ट लाइक रैट्स, कॉकरोच एंड बॉल लिजर्ड। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे घर में कुछ भी गेहूं चावल या फिर खाने का सामान रखा होता है तो उसके ऊपर बहुत सारे कीड़े मकोड़े जैसे रैट हो गया, कॉकरोचेस हो गए, छिपकली हो गए, ये सब अटैक करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग को उसको प्रॉपर कंटेनर में रखना चाहिए। जैसे कि आपके घर में अगर गेहूं चावल है तो उसको ढक्कन वाला जो कंटेनर होता है, ड्रम होता है, ड्रम में भर के रखो ताकि उसके अंदर जो भी कॉकरोचेस है या फिर लिजार्ड्स है, रैट वगैरह, वो ना जा सके, वो रखो। फिर साथ ही में आप लोग क्या कर सकते हो, वहां पे प्रॉपर क्लीनलीनेस मेंटेन कर सकते हो, साफ सफाई मेंटेन कर सकते हो ताकि कॉकरोच जैसा चीज ना आए। वहां पे आप थोड़ा सा पेस्ट कंट्रोल करवा सकते हो, आपको पता है पेस्ट कंट्रोल बहुत सारे बड़े बड़े जगह पे पेस्ट कंट्रोल करवाया जाता है। तो अगर आप ये सब चीज के जगह पे रखोगे और थोड़ा भी जो गीला इलाका होता है, डैम्प इलाका होता है जहां पे बहुत सारे मॉइस्चर की वजह से बहुत सारे कीड़े वगैरह आते हैं, तो वो चीज ना हो, तो ये सब चीज का आपको ख्याल रखना है। तो ये है व्हाट शॉल वी डू का आंसर्स जो हमने आपको अपने लैंग्वेज में बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और इस प्रकार के आप आंसर जब बना के लिखोगे तो यार बहुत अच्छे तरीके से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, करेक्ट है। देखो, फाइंड द ऑड मैन आउट, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या बोल रहा है, सॉल्ट, विनेगर, सिट्रिक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट। अब देखोगे ना, ये सॉल्ट हो गया, विनेगर हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, ये सभी के सभी फूड प्रिजर्वेटिव है, यानी फूड को प्रिजर्व करने के लिए काम आते हैं। लेकिन इसमें दो कैटेगरी, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो पहला है सॉल्ट। ये जो सॉल्ट है ना, ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। नेचुरल मतलब हमें नेचर से मिलता है, नमक तो हमें समुद्र से मिलता है, नेचर से मिलता है। और बाकी जितने भी चीज है, विनेगर, सिट्रिक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट, ये सभी चीज हम लोग बनाते हैं, आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव जो हम लोग बनाते हैं, इंसानों ने बनाया केमिकल का यूज करके। तो हमारे लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉल्ट, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव। तो ऑड मैन आउट क्या हो गया, सॉल्ट, करेक्ट है। नेक्स्ट है लाखी दाल, ब्रिक डस्ट, मिथेनाइल येलो एंड टर्मरिक पाउडर। तो आप देखोगे तो ये चारों के चारों आप देखोगे तो कुछ एक कनेक्शन दिख रहा है। सबसे पहले बात, तो टर्मरिक पाउडर इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा टर्मरिक पाउडर, क्योंकि ये एक मसाला है, ये एक स्पाइस है। लेकिन ये जो मिथेनाइल येलो हो गया, जो ब्रिक डस्ट मतलब जो ईटा होता है ना, रेड कलर वाला ईटा, उसका एकदम डस्ट पार्टिकल चूरा उसका, और लिखी दाल, ये सभी के सभी क्या है, ये एडल्ट्रेंट्स है। एडल्ट्रेंट्स को मतलब समझते हो, मिलावट करने वाली चीजें। दाल में येलो मिलाया जाता है, ब्रिक डस्ट मिर्ची में मिलाया जाता है, दाल में मिलाया जाता है लखी दाल, तो इस प्रकार से मिलावट वाली चीजें है। लेकिन ओरिजिनल चीज क्या है, स्पाइस। तो हमारा ऑड मैन आउट क्या हो जाएगा, टर्मरिक पाउडर। थर्ड, बनाना, एप्पल, ग्वावा, आलमंड। आप देखो, बनाना एक फ्रूट है, एप्पल भी फ्रूट है, ग्वावा भी फ्रूट है, लेकिन आलमंड जो है ना वो एक ड्राई फ्रूट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आलमंड। बादाम, बादाम एक सूखा हुआ फल है, बाकी सब फ्रेश वाले फल है। समझ में आ गया, इसका आंसर हो जाएगा आलमंड। नेक्स्ट है स्टोरिंग, फ्रीजिंग, सेटलिंग एंड ड्राइंग। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टोरिंग, फ्रीजिंग और ड्राइंग, ये सभी के सभी क्या है, स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन सेटलिंग जो है ये अलग मेथड है, और इसके लिए जो चीजें है ना, हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेटलिंग है ना, ये प्रिजर्वेशन मेथड है, बाकी तीनों प्रिजर्वेशन मेथड है लेकिन सेटलिंग नहीं है। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा सेटलिंग। समझ में आ गया, ये हो गया हमारा ऑड मैन आउट क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको समझो ध्यान से, क्या बोल रहा है, कंप्लीट द चार्ट। यहां पे दिख रहा है फूड स्टफ दिया हुआ है, एडल्ट्रेंट दिया हुआ है, ये फूड स्टफ है, ये एडल्ट्रेंट है। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पे आप देखो क्या बोल रहा है कि मिथेनाइल येलो किसमें मिलाया जाता है, एडल्ट्रेंट मिथेनाइल येलो, लेकिन ये किसमें मिलाया जाता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों हल्दी पाउडर में। हल्दी पाउडर मतलब टर्मरिक पाउडर। तो टर्मरिक पाउडर जो होता है दोस्तों, ये पीला कलर का होता है, और इसी में मिलाते हैं मिथेनाइल येलो, जो भी पीला कलर का होता है, तो उसके लिए मिलावट किया जाता है। तो टर्मरिक पाउडर में मिथेनाइल येलो को मिलाया जाता है। फिर ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो होती है ना, गोल गोल दाने दानी दाना दाना, देखा है काली मिर्च होती है, तो काली मिर्च ना सेम पपाया का जो सीड होता है ना, आप पपाया अगर आपने कभी खाया होगा, पपीता जिसको बोलते हैं, तो उसके सीड देखोगे तो सेम काली मिर्च जैसा लगता है, लेकिन जब पपाया सीड को खाओगे तो उसका कुछ स्वाद नहीं आता है, लेकिन काली मिर्च को खाओगे तो आपको तीखा लगेगा, तो इससे पता चलता है। लेकिन मिलावट के लिए पपाया सीड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है डैश आयरन फिलिंग्स, किसमें आयरन फिलिंग्स मिलाया जाता है, तो यार ये एक बहुत अच्छा चीज है। जैसे कि आप जानते होंगे रवा,
रवा एक ऐसा चीज है जिसमें आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, इतने महीन टुकड़े होते हैं कि आप देख भी नहीं सकते, बट उसको मैग्नेट अगर घुमा के देखोगे तो मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएगा, तो समझ जाना कि वो आयरन फिलिंग है। ये सब चीज पढ़ा चुका हूं, तो रवा में आयरन फिलिंग्स मिला जाता है। फिर हनी है, आज के डेट में तो हनी, प्योर हनी मिलता ही नहीं आजकल, सब हनी में क्या मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, शक्कर, तो ये मिलावट है। तो ये सब चीज है जो आप लोगों को लर्न करनी है, और ऐसे कई सारे और भी एग्जांपल्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस एंड सजेस्ट पॉसिबल रेमेडीज, मतलब ऐसा क्यों होता है और क्या पॉसिबल रेमेडीज बता सकते हो। क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, देखो क्वालिटेटिव वेस्टेज की अगर मैं बात करूं कि उसका क्वालिटी को खराब करना, क्वालिटी कैसे खराब हो सकता है दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव को इस्तेमाल कर रहे हो, क्या इस्तेमाल कर रहे हो, देखो ध्यान से, बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि हम लोग प्रिजर्वेटिव जैसे विनेगर हो गया और भी ऐसे बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें अगर ज्यादा मिला दिया जाए तो वो फूड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उसका क्वालिटी खराब हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज को क्वालिटी कब अच्छा होगा, जब उसका प्रॉपर तरीके से जो भी इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर रहेंगे वो डाला जाए। तो अगर उसमें आप ज्यादा प्रिजर्वेटिव डाल दोगे, ओवर कुकिंग कर दोगे, ठीक है ना, तो ये सब फूड क्या कर सकता है, उसका क्वालिटी जो है वो खराब कर सकता है, ठीक है ना। और बहुत सारे क्या करते हैं लोग, फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल होता है, उसको धो देते हैं, वॉश आफ्टर द कट, ठीक है ना, कटिंग करने के बाद उसको धोते हैं। तो ये सब चीज ना करो अगर आपको क्या करना है, उसको बचाना है, उसका रेमेडी अगर मैं चाहिए तो ये जो चीजें हैं वो ना करो, मतलब प्रॉपर तरीके से जितना प्रिजर्वेटिव चाहिए उतना ही डालो, जितना फ्रूट्स वेजिटेबल है तो पहले उसको धो लो फिर कट करो, ताकि उसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो वेस्ट ना हो, उसके जो विटामिन है वो वेस्ट ना हो, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर द कुक्ड राइस इज अंडरडन, अगर कोई भी चावल है, ठीक है, वो अच्छे पका नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको खीर बना सकते हो, उसको वेस्ट करने से अच्छा वो चावल नहीं पका है तो आप फेंकोगे उसको, किया चावल तो आज अच्छे से बना नहीं, तो यार उसको मत फेंको ना यार, या तो आप उसको किसी गरीब को दान दे दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, उसको अगर यूज करना ही है तो आप क्या बना सकते हो दोस्तों, उसका खीर बना सकते हो, ठीक है ना। अवॉइड वेस्टेज, आपको वेस्ट नहीं करना है, तो ये सब चीज आप कर सकते हो। बहुत सारी चीजें, खीर के अलावा मीठी भात बोलते हैं आजकल, बहुत सारा ट्रेंडिंग में चल रहा है मीठी भात, ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे रेसिपीज आपको मिल जाएंगे, जैसे कई सारी चीजें हैं जो आप चावल से बना सकते हो। द व्हीट दैट वाज ब्रॉट इज अ बिट मॉइस्ट, अगर आपने गेहूं खरीद के लाया और उसके अंदर थोड़ी सी पानी जैसे है, नमी है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको सन में सुखा सकते हो। यार इवन मुझे याद है मेरी मम्मी, जब हम लोग गेहूं खरीद के लाते थे तो कभी कभी उसमें पत्थर होते थे, तो मम्मी ऐसा बैठ के उसको ये करती थी, पत्थर निकालती थी, उसको फिर धोती थी, एंड धोने के बाद उसको धूप में टेरेस के ऊपर डालते थे। आप में से भी कई सारे ऐसे मम्मी लोग होंगे जो करते होंगे, तो सन ड्राइंग आप कर सकते हो, जिसके हेल्प से जो भी मॉइस्चर है वो सूख जाएगा, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। फिर द टेस्ट ऑफ योगर्ट इज टू सावर, अगर आपको जो योगर्ट है, आपका दही जो है आपने दिया वो ज्यादा ही खट्टा है, तो आप क्या बना सकते हो, उसका लस्सी बना सकते हो, क्या डाल के, शुगर डाल के उसका लस्सी बना सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है। और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन अगर बहुत ज्यादा हो गया तो ज्यादा खट्टा हो जाता है, जैसे आपने देखा है दही है आपके घर में अगर जमा रहे हो, तो अगर एक दिन के बदले आपने दो दिन रख लिया तो ज्यादा खट्टा हो जाता है, तो उसको करने के लिए आप उसका लस्सी बना लो, उसका कुछ और प्रोडक्ट बना लो, उसमें शक्कर ऐड कर लो, तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। कट फ्रूट्स हैव टर्न ब्लैक, अगर आपका जो फ्रूट्स है उसको आपने काट के रख लिया तो उसके अंदर होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीडेशन के वजह से वो क्या पड़ जाता है, ब्लैक पड़ जाता है। तो अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए कि वो जो भी फ्रूट प्रोडक्ट्स है ना, तो उसके ऊपर ना थोड़ा सा क्या करना है, लेमन जूस, नींबू का जो जूस होता है ना, हल्का सा अप्लाई कर दो, जो भी आपने फ्रूट काटा है ना उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू हल्का सा लगा दो, तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीडेशन जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा, और आपका जो फ्रूट होगा कटिंग वाला, कट किया हुआ फ्रूट होगा, वो काला जल्दी नहीं पड़ेगा। तो ये आप कर सकते हो, समझ में आ गया। तो ये रहा उसका आंसर, उम्मीद करता हूं ये आप लोग भी अच्छे तरीके से लर्न कर लोगे। एंड अब चलते हैं हम लोग हमारे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है गिव रीजन फूड रिमेन्स सेफ एट 5 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसका आंसर, कि ये जो टेम्परेचर होता है 5 डिग्री सेल्सियस पे ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है ना, ग्रोथ नॉट प्रॉपरली, प्रॉपरली वो ग्रो नहीं कर पाते, इसीलिए ये टेम्परेचर पे हल्का सा उसको हीट भी रखा जाता है, ताकि जो फूड होता है ना वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सके थोड़े लंबे समय तक। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि आप एकदम कम टेम्परेचर पे रखोगे तो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, एकदम ज्यादा टेम्परेचर है तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, लेकिन जो 5 डिग्री सेल्सियस होता है ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना वो बढ़ नहीं पाते, ग्रो अच्छे से नहीं कर पाते, समझ में आ गया। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा है, नाउअडेज फूड इज सर्व्ड बफेट स्टाइल ड्यूरिंग लार्ज गैदरिंग, बफे पता है आपको, बहुत सारा ऐसा लाइन में खाना रखा रहता है और आपको खुद अपना थाली लेके जाना है, जैसे शादियों में होता है ना, खुद आप थाली लेके गए और खुद आपको जो चाहिए बोलो, तो इससे होता क्या है कि वेस्टेज जो है वो अवॉइड होता है। कैसे कैसे वेस्टेज अवॉइड होगा मुझे बात बताओ, कि देखो नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास एक थाली है, समझ लो आप थाली कहां से लाओ मैं, ठीक है ना, ये समझ लो मेरे पास थाली है, ठीक है, इधर देखो
ये मेरे पास थाली है, ठीक है, अब ये थाली है मेरे पास, मैंने थाली रखा, अभी फॉर एग्जांपल लाइन से खाना रखा, इधर पूरी है, चपाती है, इधर चावल है, इधर दाल है, इधर इधर पनीर की भाजी है, उधर चिकन है, उधर बहुत सारी चीज है, तो यार मैं तो इंसान हूं ना, कितना खाऊंगा खा खा के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मैं, मुझे चावल खाना है तो मैंने थोड़ा चावल लिया, मेरे को दो पूरी खाना है दो पूरी लिया मैंने, ठीक है ना, मुझे थोड़ा सा चिकन चाहिए तो मैंने थोड़ा सा चिकन लिया, थोड़ा सा पनीर चाहिए तो थोड़ा सा पनीर लिया, तो इससे क्या होगा, मुझे जितना चाहिए मैं उतना ही ले रहा हूं। लेकिन नॉर्मल तौर पर अगर आपको कोई खाना दे रहा होता तो वो तो अपने हिसाब से देता, उसको क्या मालूम कि मैं कितना खाता हूं। तो इससे क्या होता है कि जब हम बफे स्टाइल में जब रखते हैं, और आजकल जितनी भी शादियां होती है, जितने भी गैदरिंग्स होते हैं, बड़े बड़े गैदरिंग्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसमें बफे स्टाइल ही होता है। बफे मतलब खाना लगा दिया जाता है और आपको प्लेट लेके खुद ही खाना है, जितना आपको खाना है खाओ, जितना कम खाना है उतना खाओ, उससे क्या होगा, खाना वेस्ट नहीं होता। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि खाना वेस्ट, यार सोचो कितना वेस्ट होता होगा ऐसे बड़े बड़ी शादियों में, तो ऐसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये सब चीज करवाया जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो दोस्तों इसी के साथ फिर ये हमारा टोटल जितने भी एक्सरसाइज के बचे हुए कॉन्सेप्ट थे क्वेश्चन के, वो हमने करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस इसी के साथ आज का जो लेक्चर है ये समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं काफी बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ने में हमारे साथ आज मजा आया होगा। बाकी सेवन स्टैंडर्ड के लिए तो पूरा चैप्टर साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल, जो भी आपका है सब्जेक्ट, सब चीज हमने कंप्लीट करा के रखा हुआ है। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन साइंस के बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहे, मैथ्स का अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम में एकदम आग लगा के आना, फोड़ के आना, अच्छे मार्क्स लेके आना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर से बताना, वीडियो पसंद है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, 1 मिलियन काफी नजदीक है, आप लोग फटाफट से करवा दो यार, बस यही इंतजार है। तो चलो गाइस जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।